लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले में वोटिंग मुकम्मल हुई। इसी कड़ी में डोडा उधमपुर पार्लियामेंट्री सीट पर भी पुराने माहौल में वोटिंग हुई। सख्त सिक्योरिटी के बीच लोग बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए सुबह से ही पहुंचने लगे। इस सीट पर वोटिंग के लिए 529 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिस पर बड़ी तादाद में पोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया था और सख्त सिक्योरिटी और दीगर सभी तरह की सहूलत का इंतजाम किया गया था। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी और सबसे पहले वोट करने वाले भदरवा के मोहम्मद माजिद मलिक बन गए। जमहूरियत का जश्न जो है आज पहले फेज से जो है शुरू हो चुका है। हम इस वक्त भदरवा में हैं और नगर पोलिंग स्टेशन है ये, यहाँ जहाँ पीछे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 7 बजते ही भारी भीड़ जो है यहाँ आई हुई है और अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए जो है वो यहाँ अपने लाइनों में लगे हुए हैं। अभी जो है यहाँ पहला वोट डालकर जो है वो आए हुए हैं मोहम्मद माजिद मलिक जो है यहाँ आए हुए हैं। कैसा लग रहा है कि जम्मू लोकसभा इलेक्शन को लेकर भदरवा समेत आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उधमपुर डोडा सीट पर पूरा माहौल में वोटिंग हुई। इस बारे में एसएसपी डोडा जावेद इकबाल ने कहा कि पूरे जिले में इजाफी फौजी दस्ते तैनात किए गए। उन्होंने अपील की कि अपने वोट और हक का इस्तेमाल जरूर करने पहुंचे। सभी लोग डोडा के जो है वो सिक्योर फील करें और बढ़िया तरीके से अपना वोट जो है वो कास्ट करें और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इंसिडेंट फ्री और सब लोगों को जो है बराबर का एक फेयर प्ले का मौका मिले, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक बराबर का एटमॉस्फेयर मिले और सब लोग जो है अपना जो है वोट कास्ट करें।